गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल रिवाइज अवर चैप्टर इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशंस इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू. इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन होते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है. उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 = 3x - 1. इसमें लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल x दिया हुआ है, राइट साइड में भी वेरिएबल x दिया हुआ है. इसमें जो भी x की वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के वेरिएबल के लिए सेम रहेगी, वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा. The value of the variable for which the equation is satisfied is called the solution of the equation. Variable की जो भी value आएगी, इसे solve करके जो भी x का answer आएगा, वो उस equation का solution कहलाएगा. An equation remains the same if the left hand side and the right hand side are interchanged. Left side और right side को अगर हम आपस में change करते हैं तो भी इक्वेशन सेम रहेगी. अगर आप इस 3x - 1 को लेफ्ट साइड में लिया है और 2x + 5 को राइट साइड में लिया है तो भी इक्वेशन सेम रहेगी, उसकी वैल्यू वो ही रहेगी. इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है. अब फर्स्ट मेथड इज एरर एंड ट्रायल मेथड. See an example. 3x + 4 = 12. Let us take value of x. After putting, we will solve our left hand side, right hand side, and write the conclusion. Take the value of x. Let us start from 1. Left hand side is 3x + 4, and right hand side equal to के right side में जो भी वैल्यू होगी, जो भी एक्सप्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड अवर राइट हैंड साइड. सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 ली. अगर हम इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 4 = 7. दिस इज 13. कंक्लूजन नॉट इक्वल. लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वैल्यू 2. If we put 2 in place of x, it will be 10. But our right hand side is 13. Both are not equal. Try the next value, 3. If we put here 3, it will become 13. This is already 13. Both are equal. So, the value of x is 3 for this equation. See one more example. 2x + 3, our right hand side
विच इज 13 एंड कंक्लूजन. लेट अस ट्राई विद वैल्यू 1. If we put here 1 in place of x, it will be 5. 2 into 1 is 2. 2 plus 3 is 5. But our right hand side is 13. So, not equal. Try the next. Let us take the value of x equal to 2. It will be 7, but our right hand side is 13. Conclusion, not equal. Try the next value. Let us take x equal to 3. It will be 9. 2 into 3 is 6. 6 plus 3 is 9. Our right hand side is 13. Not equal. Take the value 4, it will be 11. Our right hand side is 13. This is not equal. Take the value 5, it will be 13. Our right hand side is also 13. Value or left hand side is equal to right hand side. So the value of x for this equation is 5. Next is balancing method. बैलेंसिंग मेथड, हम इक्वेशन को दोनों तरफ बैलेंस बनाकर सॉल्व करेंगे. उसके लेफ्ट साइड में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हम राइट साइड में भी 2 प्लस करेंगे. दोनों तरफ हमें बैलेंस बनाते हुए चलना है. सी वन एग्जांपल, टू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 12. सबसे पहले लेफ्ट साइड में वेरिएबल के साथ हमें दिया हुआ है 2 और 7. 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 इसमें प्लस हो रहा है. सबसे पहले हम प्लस और माइनस वाली टर्म्स रिमूव करेंगे. सबसे पहले 7 हमें यहाँ से हटाना है. ये प्लस 7 है तो इसे हटाने के लिए हमें माइनस 7 करना होगा. माइनस 7 अगर हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो हमें राइट साइड में भी माइनस 7 करना होगा. Subtract 7 from both the sides. Two x plus 7 minus 7 is equal to 12 minus 7. It will be 2x is equal to 5. अब हमें ये 2 रिमूव करना है. 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रिमूव करने के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स. टू एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. So, x is 5.2. The value of x is 5 by 2. See one more example. 3x minus 11 is equal to 14. 3 वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा है, x को मल्टीप्लाई कर रहा है और 11 इसमें से माइनस हो रहा है. सबसे पहले हम 11 को यहाँ से रिमूव करेंगे जिसके लिए हमें सबसे पहले
11 को दोनों साइड में ऐड करना होगा। एडिंग 11 ऑन बोथ द साइड। -11 प्लस 11 इज इक्वल टू 14 प्लस 11, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 3x इज इक्वल टू 25। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स। This will be 3x upon 3 is equal to 25 upon 3. So the value of x is 25 by 3. Now next is transposing method. Transposing means we have to shift the numbers, the digits from one side to another side. उन्हें एक साइड से हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, that is transposing method. हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, उसके लिए हम उसके साथ जितने भी नंबर है उन सबको वन बाय वन दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. सी एन एग्जाम्पल, 4x minus 1 is equal to 5. x के साथ 1 माइनस हो रहा है और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. सबसे पहले हम इस 1 को यहां से हटाएंगे. ये माइनस 1 जब दूसरी साइड में ट्रांसपोज होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस 1 हो जाएगा. 4x is equal to 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 दैट इज 6. अब ये 4 हमें इसके साथ से हटाना है. 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस 4 को अगर हम दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो वहां जाके डिवाइड करने लग जाएगा. इट विल बिकम 6 अपॉन 4. राइट इन लोवेस्ट फॉर्म दिस विल बिकम 3 अपॉन 2. लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल. x plus 1 is equal to 5. Here we have only 1. Transpose it on right side. X is equal to 5 minus 1, that is 4. 2x is equal to 7. यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. इस 2 को अगर हम दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा. सो x इज इक्वल टू 7 बाय 2. x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5. 4 x को डिवाइड कर रहा है. इस 4 को अगर हम उस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा. x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20. टू एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. 2 भी है 3 भी है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है. सबसे पहले 3 को उधर भेज देते हैं. इट विल बिकम 4 इंटू 3, ये यहाँ डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 12. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 12 अपॉन 2 दैट इज 6. x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. आप चाहे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करके फिर इसे ट्रांसपोज कर लो, या फिर 2 को पहले वहां पे भेज सकते हो. अगर एक साइड के सारे नंबर को
सारे वेरिएबल्स को, डिजिट्स को, सबको, एक साइड के एक्सप्रेशन को कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है, तो आप पहले उसको दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर सकते हो। एक साइड के एक्सप्रेशन को अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, तो आप पहले उसे दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर सकते हो, या फिर आप पहले ब्रैकेट खोल के भी इसे कर सकते हो। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले हर नंबर को मल्टीप्लाई करता है। 2 into x is 2x, 2 into 1 is 2। सबसे पहले ये माइनस 2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2। 2x is equal to 7, so x is equal to 7 by 2। डिवाइड कर रहे हैं, लेट अस टेक एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। जो भी हमारा एलसीएम आता है उसको हम पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आता है उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, 3 मल्टीप्लाई एक्स इज 3x। 6 डिवाइड बाय 3 इज 2, 2 मल्टीप्लाई एक्स इज 2x। ये हो गया 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। पहले ये 6 उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। उसके बाद ये 5 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, कैंसिल इट, आंसर विल बी 6। सी वन मोर एग्जांपल। टू इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। लेट अस सॉल्व ब्रैकेट। 2 into x is 2x, 2 into 3 is 6, minus 3 into x is minus 3x, and minus 3 into minus 1 is plus 3. 2x minus 3x is minus x, plus 6 plus 3 is 9. माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, कैंसिल बोथ नेगेटिव साइन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। फाइव एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। दोनों साइड के एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स है। सबसे पहले हम वेरिएबल वाली टर्म एक साइड में ले जाएंगे और विदाउट वेरिएबल वाली कांस्टेंट टर्म जो है हम उसे दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। इस 3x को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये जो प्लस 7 है इसको उस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। 5x, ये 3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 1 इज ऑलरेडी हियर, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7। 5x माइनस 3x इज 2x एंड माइनस 1 माइनस 7 इज माइनस 8, सो x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2, दैट इज माइनस 4।
दोनों साइड में ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को ये 2 डिवाइड कर रहा है और राइट साइड के सारे पूरे एक्सप्रेशन को ये 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो आप इस 3 को यहाँ भेज सकते हैं और इस 2 को पहले उधर भेज सकते हैं। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × x + 1, ये 3 यहाँ आएगा तो इधर के पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 राइट साइड में जाएगा तो राइट साइड के पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 3x + 4, ये हो गया 3x + 3 × 1 3, 2 × 3x 6x, 2 × 4 8, 3x। अब हम वेरिएबल्स वाली टर्म को एक साइड में ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में, 3x - 6x = 8 - 3, 3x - 6x = -3x and 8 - 3 = 5, so x = 5/-3 or we can say -5/3।